हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बावर्ची स्टाइल में शादियों पार्टियों वाला बड़े के कोरमे की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में बहुत ही इजी तरीके से। इसे आप मेरे तरीके से फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी और आपका बहुत डिलीशियस कोरमा बनकर तैयार होगा। सबसे पहले हम मसाले की तैयारी करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, छोटा टुकड़ा जावित्री, चने के बराबर जायफल, 1/4 चम्मच शाहजीरा, बादियान के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग के, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी के आपने लेने हैं और इन सभी को 2 मिनट ड्राई रोस्ट करके पीस लेने हैं। 4 प्याज लेंगे और इन्हें हम बारीक से स्लाइस में काट लेंगे और मसल कर इन्हें हम अलग कर देंगे। इस तरीके से ये जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है बीफ धुल के, आप इसकी जगह पर गोट के भी ले सकते हैं। एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम 250 ग्राम ऑयल गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाए इन्हें हम निकाल लेंगे, थोड़ी सी हम कुकर में ही छोड़ देंगे। अब इसमें हम अपने धुले हुए गोश्त डाल देंगे। गोश्त में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम 3 तेज़पात, 3 लौंग और 1 दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 4 से 5 मिनट गोश्त की भुनाई करने के बाद इसमें हम 1 सर्विंग स्पून भर के अदरक लहसुन के पेस्ट डाल देंगे, जिसमें 2 गाँठी लहसुन के हैं और 2 इंच टुकड़े अदरक के, 3-4 हरी मिर्च पीस लिया था, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी भी साथ में डाल देंगे और इन्हें हम भुनाई करेंगे। इसकी हम तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसके सारे पानी जल ना जाएं। अब इसमें हम वही पीसे हुए गरम मसाले जो हमने आपको दिखाए थे थोड़े से बचा के बाकी सब इसी में डाल देंगे और इनकी हम फिर से भुनाई करेंगे। इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। 10 मिनट के बाद अब हम गोश्त को गलाएंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, तकरीबन 200 ग्राम पानी है, और हम प्रेशर कुकर की लीड लगा के इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, इसी से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जिसमें 3 टेबल स्पून हमने घिसे हुए नारियल के लिए हैं और 2 टेबल स्पून मगज के लिए हैं। प्याज के साथ, तली हुई प्याज के साथ थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम बारीक सा पीस लेंगे इस तरीके से। प्रेशर कुकर हम चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। 80-85% तक गोश्त हमारे कुक हो चुके हैं। अब इसे हम एक बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से भुनाई करने में बोटियां टूटेंगी नहीं और गोश्त हमारे जल्दी से भुन जाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च के डाल देंगे और प्याज का जो हमने पेस्ट पीसा था उसे भी शामिल कर देंगे। इन सभी को शामिल करके हम इनकी अब भुनाई करेंगे, साथ में गोश्त भी टेंडर हो जाएंगे जो 20% बाकी बचे थे। शुरू में ही हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था। पहले हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि सब आपस में एकदम से मिल जाएं और इन्हें हम ढक कर रख देंगे। अब इसमें हम 250 ग्राम दही डालेंगे, दही को हमने फेंट लिया था। दही डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। दही डालते वक्त हम फ्लेम लो कर देंगे। अब टेस्ट के मुताबिक हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे फिर से और हमें इसे बार बार चेक करके ही पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में हमें चम्मच चलाते रहना है, तब तक जब तक गोश्त गल ना जाए अच्छी तरीके से और मसाले अलग हो जाएं, तेल अलग हो जाएं। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे मसाले हमारे अलग हो रहे हैं तेल से। तेल से जब ये फटना शुरू हो जाए इस स्टेज पर हम जो गर्म मसाले का पाउडर बचाए थे उसे डाल देंगे। गर्म मसाला को लास्ट में थोड़ा सा डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आप देख सकते हैं कि 10 मिनट की भुनाई के बाद तेल ने मसाले छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे और इसे ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे हम खोल कर देखेंगे, मसाले हमारे दाने दाने से अलग हो गए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें। अब इसमें हम 1 कप गर्म पानी डालेंगे। ग्रेवी के लिए हमने गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी से कोरमे का टेस्ट बिगड़ जाता है और गोश्त भी टाइट हो जाते हैं। साथ ही इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे काट के और 10 मिनट इसे हम बॉयल करेंगे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए अपने मेहमानों के आगे, अपनी फैमिली के लिए, सबको बहुत ही पसंद आएगी।
रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।